नमस्कार दर्शकों, इस समय की बड़ी खबर आज सुबह से यातायात को बहाल कर दिया गया है। जयगांव बीबाड़ी ब्रिज के ऊपर से भारत भूटान का जो यातायात है फिर से बहाल कर दिया गया। आप सभी को दृश्य दिखाना चाहेंगे कि भारत भूटान का जो यातायात है ब्रिज बीबाड़ी ब्रिज के ऊपर से बहाल कर दिया गया। आप सभी को कल शाम को हम लोग दृश्य दिखाए थे कि वन वे लेन एक तरफ का लेन खोल दिया जाएगा, और वो दृश्य आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि इस समय गाड़ियों का वाहनों का यातायात जो है बहाल कर दिया गया है। भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव का बीबाड़ी ब्रिज जो कि टूट गया था, कुछ हिस्सा नदी में बह गया था, उसका दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। इस समय सुबह से ही यहाँ पे एक तरफ से गाड़ियों का आने जाने का यहाँ पे यातायात जो है बहाल कर दिया गया। इस समय की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, भूटान नंबर वाहन भी इस समय जाती आती दिख जाएंगी, लेकिन खबर यही है कि वन साइड का ही लेन इस समय खुला है। अभी भी कार्य चल रहा है, लेकिन यातायात जो है छोटे वाहनों को इस समय आने जाने का इजाजत है। आप देख सकते हैं छोटे वाहन जो है वो बीबाड़ी ब्रिज के ऊपर से जा रहे आ रहे हैं, बाइक साइकिल सभी जा रहे आ रहे हैं, लेकिन बड़े वाहनों को अभी भी नीचे से जाना आना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं बड़े वाहनों को अभी भी सड़क के रास्ते नहीं बल्कि नदी के रास्ते जाना आना पड़ रहा है, लेकिन छोटे छोटे जो वाहन है आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो वाहन है उन्हें एक साइड से जाने आने का अनुमति मिल चुका है। इस समय की सबसे बड़ी खबर जयगांव का भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव का जो मुख्य सड़क है, भूटान को जो जोड़ता है, फुलचेरिंग शहर को जो जोड़ता है, वो उसका एक साइड का लेन इस समय खुल चुका है। और आप देख सकते हैं ऑटो रिक्शा बाइक छोटे छोटे वाहन सभी इस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं लेकिन इस समय केवल एक साइड का ही लेन इस समय खुला है। आप देख सकते हैं केवल एक तरफ से ही गाड़ियां जाना आना कर रही है। आप ये दृश्य देख सकते हैं और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें नदी के रास्ते ही अभी जाना आना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं नदी के रास्ते ही जो बस है, ट्रक है, बड़े बड़े वाहन जो है वो नदी के रास्ते इस समय यातायात कर रही है, जाना आना हो रहा है, क्योंकि अभी भी इस ब्रिज के ऊपर से बड़े वाहनों का इजाजत इस समय नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियां जा रही हैं, काफी सारे गाड़ियां जा रही आ रही है, आप देख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात इस ब्रिज को यातायात को बहाल करने का काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है भारत और भूटान का, ये एक लाइफ लाइन है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से एम्बुलेंस यहाँ से जाती आती है, और आज आप सोच सकते हैं कि अगर इसमें और देरी होती तो कितना समस्याएं बढ़ सकती थी। अगर बारिश होता, अगर नदी उफान में होती, अगर ये नदी में पानी होता तो नदी के रास्ते जाना आना काफी मुश्किल हो जाता, और उस समय ये कार्य भी काफी धीमा पड़ जाता, तो काफी समस्याएं बढ़ सकती थी। अगर बारिश लगातार होती तो काफी समस्याएं बढ़ सकती थी, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं एक तरफ की लेन जो है यातायात के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी कार्य चल रहा है आप देख सकते हैं क्योंकि केवल यातायात बहाल कर देने से नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन के मद्देनजर भी काफी कार्य करना है ताकि फिर से ये बांध जो है ना टूटे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं किस तरह से कार्य चल रहा है, अभी भी काफी प्रोटेक्शन का कार्य होना है। और यातायात अभी के लिए आप देख सकते हैं यातायात बहाल कर दिया गया। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है
कि एक साइड का लेन खोल दिया गया है यातायात के लिए, और ये एक बहुत ही बड़ी खबर है इस समय, खासकर भारत और भूटान के लोगों के लिए। यातायात एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है, ब्रिज के ऊपर से वाहनों का जाना आना शुरू हो चुका है, जाना आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं अपने वाहनों को लेकर। लेकिन इस समय जो है छोटे वाहनों को ही इजाजत मिली है, छोटे वाहनों को ही इजाजत मिली है इस ब्रिज के ऊपर से एक साइड से जाने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि बड़े बड़े वाहन जो है उनको नदी के रास्ते ही जाना आना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी काफी कार्य होना बाकी है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव का इंडो भूटान बॉर्डर रोड जो है, मुख्य रोड जो है, जो कि भूटान के फुलचिलिंग शहर को जोड़ता है, जयगांव का जो शहरी इलाका को जोड़ता है, वो इस समय यातायात के लिए खुल चुका है। और इस ब्रिज के ऊपर से एक तरफ से ही केवल गाड़ियां अभी गुजर रही है, दोनों तरफ से गाड़ियों का इजाजत नहीं है, दोनों तरफ से टर्न बाय टर्न अल्टरनेटिव तरीके से जाने आने दिया जा रहा है, एक तरफ से बंद रखा जा रहा है, दूसरे तरफ से जाने दिया जा रहा है। ये स्थिति आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं, और आगे का भी दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा, पल पल की खबरों के लिए आप सभी के समक्ष हम लोग हाजिर होते रहेंगे। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स। धन्यवाद। जय हिंद।